उसके बाद इतने सिंपैथी के वोट मिलते हैं राजीव गांधी को, इतने सिंपैथी के वोट मिलते हैं कि आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस तरीके के नंबर्स किसी नेता ने हासिल नहीं किए हैं आज तक। नरेंद्र मोदी भी इस तरीके के नंबर्स को अचीव नहीं कर पाए। भावनाएं, इमोशंस, इसके आगे कोई चीज नहीं चलती। इंसान को भावनाओं के आगे, इमोशंस के आगे कुछ नहीं दिखता। एक गजब के उदाहरण से मैं आपको यह बात समझाना चाहूंगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की बात है, 31 अक्टूबर 1984, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया उनके ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा जो कि सिख थे। अब ये किया क्यों गया था, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, जिसमें जो फौज है वो अमृतसर का जो पवित्र गोल्डन टेम्पल है वहां उसके अंदर घुसपैठ कर दी थी। अब ये रिटेलिएशन में बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को मार दिया, इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया। राजीव गांधी की एक स्टेटमेंट आती है, राजीव गांधी कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है उससे जमीन हिलने लगती है, द अर्थ शुक्स और शेक्स व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स। और ये वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उसी समय पर सिखों के ऊपर लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में और भी देश में अलग अलग जगहों पर दंगों में पर्टिकुलरली सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार करा जा रहा है और सिखों के बाल काटे जा रहे हैं, दाढ़ी नोची जा रही है और उनको जला दिया जा रहा है। उनके गले में टायर को फंसा दिया जाता था जलता हुआ और इसी तरीके से उनको जला दिया करते थे। अगर आपको इसको और ज्यादा गहराई से समझना है कि क्या स्थिति थी उस समय सिखों की, तो आप एक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर है जोगी, जो दिलजीत दोसांझ जिसमें एज अ कास्ट एज अ लीड हीरो है, आप उस पिक्चर को देख के थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि क्या उस समय की स्थिति रही होगी। उसी समय जो विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहते हैं कि राजीव गांधी ने गलत कहा है, असल में जब धरती हिलती है तब बड़े पेड़ गिरते हैं। उस समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी काफी कॉन्फिडेंट थे कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होने वाले हैं, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि 84 में ही होने वाले थे, उसमें भारी बहुमत से बीजेपी जीत सकती है। परंतु कहानी उल्टी हुई। आप देखते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, उसके बाद इतने सिंपैथी के वोट मिलते हैं राजीव गांधी को, इतने सिंपैथी के वोट मिलते हैं कि आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस तरीके के नंबर्स किसी नेता ने हासिल नहीं किए हैं आज तक। नरेंद्र मोदी भी इस तरीके के नंबर्स को अचीव नहीं कर पाए। तो आप देखिए, इंदिरा गांधी की डेथ ने, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन ने जो इमोशन जनरेट किए, जो सिंपैथी जनरेट की पूरी सोसाइटी में, उसकी वजह से फिर जनरल इलेक्शन में राजीव गांधी अपनी सरकार बना पाते हैं। तो ये था एक गजब का उदाहरण जिससे आप समझ सकते हैं कि भावनाओं के आगे किसी की नहीं चलती। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को इमोशनली करते हैं तो आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों को, बहुत सारे लॉजिक को, बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी को मिस करने लगते हैं। इसीलिए डिसीजन मेकिंग में हमेशा कोशिश करें आप कि आप अपने रीजनिंग को, रैशनैलिटी को एक हायर स्टेटस दें इन कंपैरिजन टू इमोशंस। इसके साथ में ही पता करिए कि एक लड़के ने कैसे एक छोटे से आविष्कार से अपने पूरे गांव का जीवन, अपने पूरे गांव वालों की किस्मत बदल दी। आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।